अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हज़रत शेख मौलाना प्रेसिडेंट खिदमत खल्क, जितने भी इस वीडियो को देख रहे तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे उलमाए दीन से और हमारे पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार हैदराबाद तेलंगाना और दिल्ली सीएम केजरीवाल और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि गुस्ताखों को जो है इन लोगों के ताल्लुक से कार्रवाई करें, जो हमारे भारत देश का अमन बरकरार है वो अमन को जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। पुलिस से मेरी अपील है, दिल्ली पुलिस से भी और हमारे केसीआर से भी अपील है कि इनके ताल्लुक से नरसिंह आनंद, जो सरकार के ताल्लुक से किसी के मज़हब के ताल्लुक से जो हरकतें कर रहे बोल रहे, इनके ताल्लुक से फौरन एक्शन लेना ज़रूरी है। और मेरी गुजारिश है दिल्ली पुलिस से भी कि वो नरसिंह आनंद कौन है इसकी पूरी जानकारी करें और उन्हें साधु है महाराज है क्या है इंक्वायरी करें उसकी। किसी के भी धर्म के बारे में, किसी के मज़हब के बारे में बोलना ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम के माने आज़ादी के माने अपने तक आज़ादी है, दूसरों के तो मज़हब में घुसना, गैर ज़रूरी बोलना, गुस्ताखी करना ये ठीक नहीं है और इसकी ख़तई क़ानून इजाज़त नहीं देता, ना संविधान इजाज़त देता। किसी के मज़हब में घुस के तुम उनके बारे में बोलो गैर ज़रूरी, ये ख़तई क्राइम है, जुर्म है। मेरी अपील है पुलिस से, श्री अंजनी कुमार से, हैदराबाद आप सिटी पुलिस कमिश्नर केसीआर और केजरीवाल दिल्ली से और अमित शाह होम मिनिस्टर सेंटर और ऐसे लोगों को फौरन एक्शन ले। और उलमाए दिन से ख़ास तौर पे मेरी अपील है, गुजारिश है, उलमाए दिन बैठे और ऐसे गुस्ताखों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मेरी तमाम उलमाए दिन से और पॉलिटिशन जितने भी है मजिस्ट्रेट असदुद्दीन अवैसी से भी मेरी अपील है कि फौरन ऐसे गुस्ताखों के लिए एक्शन ले। ये हिंदुस्तान का हमारे भारत का माहौल बिगाड़ने के चक्कर में है, अमन कायम है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, हिंद में। अल्लाह के फजलो करम से भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब हम एक साथ रहते, एक साथ उठते बैठते, एक दूसरे की दावतों में जाते, भाईचारा है। और हमारे नबी का पैगाम यही है अमन का, गुस्ताखियों का जो कहना है गलत है, वो जो गुस्ताखी कर रहे। हमारे नबी का कहना ये है पड़ोसी का भी ख्याल रखो, जिस देश में रहते उसकी मोहब्बत करो और लोगों से मोहब्बत से पेश आओ, तकलीफ़ मत दो किसी को। ये हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, पूरी दुनिया में है, खाली हिंदुस्तान तक ही नहीं है। जानवरों के लिए भी नबी है वो, इंसानों के लिए भी नबी है वो, तमाम मखलूक के लिए भी नबी है। अल्लाह उनको जो है नबी बना के दुनिया में भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सालों से फॉलो कर रहे। कई गैर कौम कई जने जो है उनको नबी मानते और हम मोमिन मुसलमान, हमारे पे हमारे सरकार का करम है, अल्लाह का फजलो करम है, जो ऐसी नबी की उम्मत में हम पैदा हुए। और मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सरकार दो आलम की सुन्नतों को अपनाओ। तो मेरी अपील है कमिश्नर और पुलिस कि फौरन ऐसे लोगों के ताल्लुक से एक्शन ले। और हमारे सीएम केसीआर से भी अपील है और हमारे असदुद्दीन अवैसी और जितने भी उलमाए दीन हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि इनके ताल्लुक से ये जो हरकतें कर रहे, गुस्ताखियां कर रहे, इन लोगों के लिए फौरन एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।